अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 2 नाइट मेल को स्टडी करेंगे। नाइट मेल का मतलब है डाक गाड़ी। अब इसमें शायर जो है एक डाक गाड़ी का जिक्र कर रहा है, एक नाइट मेल का, और उसको किस तरह से बयान करता है आइए पहले हम इसको स्टडी कर लेते हैं। दिस इज़ द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल है जो सरहद को पार कर रही है। Bringing the check and postal order, ला रही है चेक और पोस्टल ऑर्डर्स। पहली दो लाइनों में शायर जो है वो सिंपली एक नाइट मेल, एक डाक गाड़ी को बयान कर रहे हैं कि जो कि बहुत से बॉर्डर सरहदें क्रॉस करके जाती है और हर तरह की चीज़ें लेकर आती है, चाहे बीच में चेक्स होते हैं, हर तरह का माल होता है, कुछ ऑर्डर्स होते हैं, पोस्टल ऑर्डर जो होते हैं, और बहुत से घरेलू सामान भी होते हैं। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो उसके मालिक होते हैं या जो उनके रिसिपिएंट होते हैं वहाँ तक पहुँचाती है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, ख़त हैं अमीरों के लिए और ख़त गरीबों के लिए। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, उस दुकान के लिए जो कि कोने पर है, उस लड़की के लिए जो कि अगले दरवाजे में रहती है। इस स्टैंजा में जो शायर है कहता है कि नाइट मेल जो है उसकी एक क्वालिटी बयान कर रहा है कि ये किसी में डिफरेंशिएट नहीं करती कि वो गरीब है या अमीर है। ये जो अपना काम है उसको ईमानदारी से करती है और सारों के लिए करती है, चाहे वो अमीर हैं चाहे वो गरीब हैं। ये जो माल लेके जा रही होती है जिसका भी हो, बिला तफरीक, बग़ैर उनके रंग के, ज़ात नस्ल को देखते हुए, जो जो इसके पास माल होता है ये सारों के लिए लेती है और सारों के लिए पहुँचा कर आती है। चाहे वो शख्स है जिसकी दुकान है कोने में, या फिर जो हमारे घर से साथ वाले घर में खातून रहती हैं, चाहे वो उनके लिए चीज़ें हों, किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफरीक नहीं करती और सारों को उनका उनकी चीज़ें पहुंचाती है उनके पास, अपने फ़र्ज को अदा करती है ये ईमानदारी से। पुलिंग अप बी टॉक अ स्टडी क्लाइम, बी टॉक पे चढ़ते हुए एक मुसलसल चढ़ाई से, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, चढ़ाइयाँ जो उसके मुखालिफ आती हैं, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन वो हमेशा वक्त पर होती है। इन दिस सेंस अगेन पोएट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ क्वालिटी ऑफ नाइट मेल, के एक और उसकी क्वालिटी बता रहा है कि एक तो पहले था कि ये तफरीक नहीं करती, सारों के साथ इक्वली रहती है नाइट मेल। अब बता रहा है कि कितनी पंक्चुअल भी है ये, इसका जो रास्ता है वो इसके लिए बहुत मुश्किल होता है। अब इसको बी टॉक जो है एक चढ़ाई का नाम ही आप कह सकते हैं, एक नाम है ये, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए आप देख सकते हैं कि बी टॉक का जो बी है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखा हुआ है। और अगर आप देखें किसी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल है, तो या तो वो जुमले के शुरू में होगा, अदरवाइज़ ये कि वो एक प्रॉपर नाउन है। अगर आपको नाउन्स के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ पार्ट ऑफ स्पीच के जो लेक्चर्स हैं वो एक बार लाजमी पढ़ लीजिएगा, आपके सिलेबस का हिस्सा है वो फेडरल बोर्ड के लिए। पुलिंग अप बी टॉक, बी टॉक को चढ़ते हुए एक मुसलसल चढ़ाई के साथ, कि वो मुसलसल चढ़ाइयाँ करके डिफरेंट ऊँची नीचे जगह होती हैं वो वहाँ पर जाती है, और बहुत से इसके रास्ते में रुकावटें मुश्किलात होती हैं, इसको बहुत से पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, चाहे पहाड़ों के ऊपर जाना होता है, नीचे आना होता है, बट शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, लेकिन ये कभी लेट नहीं होती और अपना काम हमेशा पूरे वक्त पर ही मुकम्मल करती है। पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर, गुजरते हुए कपास की खेतों से, एंड मूरलैंड बॉर्डर्स, और पास्ट कॉटन ग्रास एंड मूरलैंड बोल्डर्स, कपास के खेतों को पार करते हुए और झार बन के बड़े बड़े गोल पत्थरों को पार करते हुए, शिवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, अपने कंधे से सफ़ेद धुआं उगलती हुई। अभी नाइट मेल वाला मंजर ही बयान कर रहा है कि वो हर तरह की जगहों से गुजरती है, बहुत से इसके रास्ते में डिफरेंट जगह आती हैं, कि बहुत से बीच में रास्ते में कपास के खेत भी आते हैं, ये वहाँ से भी गुजरती है, और उसके रास्ते में बहुत से ऐसे खेत होते हैं, खुले मैदान होते हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए होते हैं। बोल्डर से मुराद होता है कुछ बड़े बड़े गोल से पत्थर, के बड़े बड़े इसके रास्ते में पत्थर भी होते हैं जो साइडों पे पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो है सीधी अपने रास्ते की तरफ ही चलती रहती है, अपने कंधे से या अपनी जो इसकी चिमनी से बनी हुई होती है इंजन में, वहाँ से ये सफ़ेद सा धुआं निकाल रही होती है और अपने रास्ते की तरफ ही रवा रहती है। स्नॉर्टिंग नॉइजली शी पासेस साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, शोर से फिंकारती हुई वो गुजरती है, साइलेंट माइल्स, खामोश मील ऑफ विंड बेंट ग्रास, हवादार सब्जादारों से। अब ये कह रहे हैं कि ये
जहाँ से भी गुजरती है वहाँ का एक बार जो सुकून खामोशी होती है वो तो ज़ाया कर जाती है, क्योंकि ये बहुत ही शोर करते हुए फिंकारने की आवाज़ करते हुए फिंकारते हुए ये गुजरती है जहाँ से भी जाती है। अब ये जहाँ से भी गुजरी होती है, कहते रास्ते में बेशक वो खामोश सा इलाका होता है, वो इस तरह के मैदान होते हैं जहाँ पर सिर्फ हवा की आवाज़ ही होती है, हवादार इलाके होते हैं, और ये वहाँ से मीलों का सफ़र जब तय कर रही होती है तो पूरा रास्ता ये फिनफिनाती हुई वो भी बहुत ऊंची आवाज़ में जाती है। ये से होता है कि वहाँ की सारी जो खामोशी है एक बार वो ये तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है। बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेज, परिंदे अपने सर मोड़ते हैं एज शी अप्रोचेज जैसे ही ये पहुँचती है। स्टेयर फ्रॉम बुशेज, घूरते हैं झाड़ियों से एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेज, इसके बगैर तासरों वाले या खाली चेहरे वाली बोगियों पर। वो कह रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से रास्ते से गुजर ही होती है तो जितने भी परिंदे होते हैं रास्ते में, जब वो ये उनके करीब पहुँचते हैं तो वो सिर्फ अपने सर मोड़ के ही इसकी तरफ देखते हैं, उनको उससे डर भी नहीं लगता, उनको शायद आदत हुई भी है। और सिर्फ जो झाड़ियों में बैठे हुए होते हैं वहाँ से इसके चेहरे की तरफ देख रहे होते हैं। इसके चेहरे से मुराद कह रहे हैं कि इसका ऐसा चेहरा है जिस पर कोई तासुर ही नहीं है, क्योंकि वो बेजान लोहे की बोगी है। तो वो परिंदे हैं झाड़ियों में बैठे हुए बस इसकी बोगियों की तरफ देखते रहते हैं, जिनमें कोई तासुर कोई खुशी की किस्म की फीलिंग नज़र नहीं आ रही, बिकॉज दैट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ मेटल। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, भेड़ों की हिफाजत करने वाले जो कुत्ते हैं वो इसका रास्ता तब्दील नहीं कर सकते। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, वो अपने पंजों को फैलाए सोए रहते हैं। कह रहे हैं वैसे तो जो ऐसे कुत्ते हैं जो रास्ते में मैदानों में भेड़ों की हिफाजत कर रहे होते हैं, कह रहे जब ट्रेन यहाँ से गुजर ही होती है तो वो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर भोंकना शुरू कर दें या इसके पीछे भागें, क्योंकि उनको पता है, उनको आदत हो चुकी है कि वो चाहे जो मर्जी कर लें इसको फ़र्क नहीं पड़ना, और उसने अपना रास्ता भी तब्दील नहीं करना, ये जिधर जा रही है इसने उधर ही जाना है। तो वो जब ये गुजरती है चुप करके सिर्फ सिर्फ अपने पंजों के ऊपर सर रख के सोए रहते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन द फार्म शी पासिस, जब वो खेतों से गुजर रही होती है, नो वन वेक्स, कोई नहीं जागता, बट अ जग इन बेडरूम जेंटली शेक्स, लेकिन एक बेडरूम में पड़ा हुआ जो जग होता है पानी का वो बस आहिस्ता से शेक करता है, आहिस्ता से कांपता है या हिलता है। कि अब जब ये गुजर रही होती है इतना शोर इसका होता है, वैसे ये घरेलू इलाकों से भी गुजर रही होती है, फार्म हाउसेस से या खेतों वगैरह से जहाँ से भी गुजरे, वहाँ पर सारे लोगों को अब इसकी आदत हो चुकी होती है, क्योंकि पटरियों का वही एक सेम रास्ता होता है। तो वो ऐसे आदी हो चुके हैं कि उनकी अब नींद भी नहीं ख़राब होती, कि अगर वो सोए हुए हैं और उसका शोर भी आ रहा हो तो उनकी आँख नहीं खुलती, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको भी इस चीज़ की आदत हो चुकी है, वो डेली इस तरह का शोर या आवाज़ें सुनते हैं, तो उनको भी इसकी आदत है, वो भी डेली वैसे ही अपनी ज़िंदगी जो है उसको जारी रखते हैं। कह रहे हैं लेकिन जब ट्रेन गुजरती है बस ये कि एक ज़मीन जो है वहाँ पर थोड़ा सा एक वाइब्रेशन सी पैदा होती है, और घरों के अंदर जो पानी के जग पड़े हुए होते हैं वो हल्के हल्के से शेक कर रहे होते हैं, हल्के फुल्के हिल रहे होते हैं, और इसके अलावा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी का कोई नुकसान नहीं करती। यहाँ पे आपकी एंड होती है पोएम नाइट मेल। इसे पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा, आपके पोइम्स में से क्या आना होता है, लाहौर बोर्ड में क्या आना है और फेडरल बोर्ड में क्या आना है। अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो प्लीज़ इससे पिछला लेक्चर जो पोइम नंबर 1 है वो देख लीजिएगा। अब ये कि आपको हर एक एक सेंजा पढ़ के लाजमी आइडिया हो जाना चाहिए कि आप देख के बता सकें ये कौन सी पोइम्स आया है और इसके पोइट का क्या नाम है। W.H. ऑर्डन, बेहतर ये होगा कि आप पोइम के नाम को ऐसे याद करें, नाइट मेल बाय W.H. ऑर्डन, नाइट मेल बाय W.H. ऑर्डन। अगर आप इस तरह पूरे के पूरे नाम को याद कर लेंगे, रट लेंगे, तो आपको बाद में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स होते हैं वो पोइम्स और पोइट्स के नाम को अक्सर आपस में मिक्स कर जाते हैं। अब ये थी आपकी पोइम, उसकी आप ग्लॉसरी देखें। बॉर्डर, बॉर्डर कहते हैं सरहद को, बाउंड्रीज को। ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स कहते हैं चढ़ाई को। बोल्डर, बोल्डर कहते हैं बड़े गोल पत्थरों को। शवल्ड, शवल्ड का मतलब है उगलना, बाहर निकालना। स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब है नींद में रहना, सोए रहना। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहला द नाइट मेल इज, नाइट मेल है, इसका आंसर बनेगा सी, अ ट्रेन दैट कैरीज मेल, एक ऐसी ट्रेन जो कि मेल्स वगैरह लेके जाती है, डाक लेके जाती है। द नाइट मेल रीचेस, नाइट मेल पहुंचती है इन टाइम, ऑन टाइम, बिफोर टाइम, जैसा कि पोएम में बताया गया है, शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, हमेशा वक्त पर पहुंचती है, वक्त से पहले भी नहीं और वक्त में भी नहीं। सी ऑन द अराइवल ऑफ नाइट मेल द बर्ड्स, जब नाइट मेल आती है तो बर्ड्स क्या करते हैं, इसका जवाब बनेगा कि जो बर्ड्स हैं वो सिंपली अपने हेड्स या बीक्स को मोड़ते हैं, वो सिंपली अपना सर मोड़ते हैं और उसकी तरफ देखते हैं।
ना वो डरते हैं, ना वो खुश होते हैं और ना ही वो उड़ते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं। क्वेश्चन फोर है, व्हाई डू द शीप डॉग्स कंटिन्यू टू स्लीप ऑन द अराइवल ऑफ ट्रेन। तो शीप डॉग्स हैं वो ट्रेन की अराइवल पर, उसकी आमद पर सोए क्यों रहते हैं? बिकॉज दे कैन नॉट, क्योंकि वो नहीं कर सकते अटैक हर, हमला, बाइट हर, उसे काटना या चेंज हर कोर्स या फिर उसके रास्ते को तब्दील करना। जो शीप डॉग्स हैं वो सोए रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो इसके रास्ते को तब्दील कर ही नहीं सकते, वो इतना मर्जी भोंकते रहें इसने सेम अपनी पटरी पे ही चलते रहना है। दैट्स व्हाई दे कीप स्लीपिंग, वो सोए रहते हैं। अब अगर आपने गौर किया हो तो ये नाइट मेल को हर कह के मुखातिब कर रहा है। ये जितने भी राइटर्स और पोइट्स होते हैं ये हमेशा किसी भी बेजान चीज़ का जिक्र कर रहे हो या किसी भी प्यारी चीज़ का जिक्र कर रहे हो, चाहे वो मुल्क है, चाहे ट्रेन है, जिसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो उसको हमेशा हर कह के मुखातिब करते हैं। हर सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं, बल्कि जो चीज़ भी जिसको आप पसंद करते हैं या राइटर पोइट जिसकी तारीफ़ बयान कर रहे हो, चाहे वो बेजान भी है, तो वो उसको हर कह के मुखातिब करते हैं। इसलिए हर से मुराद आप ये नहीं लेंगे कि किसी खातून की बात हो रही है, हर से मुराद यहाँ पे नाइट मेल ही है। यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 2 एंड होती है। जो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।